नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर बाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा 2 HP की मोटर है और ये बॉडी करंट है, इसके बॉडी में करंट आ रहा है। तो इसको खोल के देखेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो यही खोलने का तरीका है, तो इस वीडियो में सिर्फ खोलने का तरीका मिलेगा और पार्ट 2 में आपको उसको रिपेयर करके दिखाएंगे और पार्ट 3 में इसको फिटिंग करके भी दिखाएंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये 2 HP की मोटर है और ये आई हुई है हमारे पास बनने के लिए। तो इसमें बॉडी अर्थ है, बॉडी से करंट आ रहा है और इसका प्रॉब्लम यह है कि एक तो करंट आ रहा है और दूसरा प्रॉब्लम इसका यह है कि मोटर ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको खोलना पड़ेगा, इसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें खोलने का तरीका, और एक मोटर और हम खोल करके दिखाए थे तो उसमें लंबा सा स्टॉल लगा हुआ था, यानी कि एक ही नट था इस तरफ से उस तरफ, यानी कि दोनों तरफ। तो दोनों तरफ से ढक्कन में एक ही नट था, एक तरफ से नट टाइट होता है और दूसरे तरफ से इसी ढक्कन में वो टाइट हो जाता है, या फिर दोनों तरफ एक ही रड रहता है और दोनों तरफ से नट लगा दिया जाता है, तो इस तरह से होता है। तो सारे मोटरों की जो है, जितने भी मोटर हैं, तो सबका खोलने का तरीका और फिटिंग का तरीका अलग होता है। तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपना टाइट करने का तरीका और खोलने का तरीका अपना देती हैं सब। तो इसमें दोनों तरफ से नट लगा हुआ है, तो देख सकते हैं अलग अलग ढक्कन में ये नट टाइट है। और ये देखिए, जो नट अभी हम ठोक करके खोल रहे हैं, तो कोई नट में जंग लग जाता है तो जंग की वजह से नहीं खुलता है। तो थोड़ा सा हथौड़ी से या हैमर से किसी चीज़ से अगर चोट मार देंगे तो वो जंग है जो ढीला हो जाता है और ये खुल जाता है आसानी से। तो यही तरीका है इसे खोलने का। तो इसका हम कवर खोल के देख लेते हैं पहले कि यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है क्योंकि टेप अब सारा कुछ लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से दिक्कत नहीं है। तो ये मोटर के अंदर से ही दिक्कत है, ठीक है। तो हम मोटर के अंदर से दिक्कत है तो मोटर को खोलेंगे। तो चलिए मोटर को खोल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस नट को खोलना है। तो इस तरह से इस पे 4 नट लगे हैं पीछे ढक्कन में, तो ये चारों नट खोल लेंगे और इसके बाद पलट पलट के खोलना होता है क्योंकि मोटर जो है काफ़ी वज़नदार है। तो इसमें वज़न भी है। तो देखिए, खुल गया और ये देखिए छिपकली मरी हुई है इसके अंदर घुस करके। तो चलिए अब इसका हम निकालते हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसमें जो लगा है चीरा पिन, तो ये चीरा पिन सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से भी चीरा पिन को निकाल सकते हैं और वीडियो जो हम बनाए हैं उसमें दूसरे तरह से भी निकाल के दिखाए हैं कैसे चीरा पिन निकालना है। तो जैसे भी देख लीजिए, जैसे आपको आसानी पड़े उस तरह से निकाल लेना है चीरा पिन। और ढक्कन को भी इसके पंखे को निकाल लेना है, पंखुड़ी को पेचकश की सहायता से। और इसके बाद पीछे का ये नट खोलना है, 4 नट इसमें भी लगे हैं। तो फटाफट हम चारों नट इसका खोल लेते हैं और 4 नट हमारे आगे साइड में भी लगे हैं। तो ये पंप का साइड है, ये आगे साइड है और पीछे का बैग जो था, बैग वाला ढक्कन, तो ये दोनों ढक्कन अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग इसमें नट लगे हुए हैं। तो
और सब मोटरों में क्या होता है कि पीछे का नट खोल के और इसको ठोक देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है कॉइल, और इसमें इस तरह से नहीं निकलेगा, दोनों तरफ का नट खोलना पड़ेगा तभी निकलेगा कॉइल, क्योंकि ये अलग अलग टाइट है। तो यही चीज़ देखना होता है हर मोटरों का, कई हर किसी मोटर में, सारे मोटर में एक ही तरह का खोलने का तरीका नहीं होता है, किसी में स्टड लगा होता है, किसी में नट लगा होता है। तो इसमें दोनों तरफ से नट ही लगा है, तो दोनों तरफ से जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक हमारा ये कॉइल मोटर का स्टेटर बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जो मोटर है तो उसमें सिर्फ पीछे का नट खोल लेते हैं स्टड वाला, जो कि एक ही लंबा स्टड लगा रहता है, तो पीछे का नट खोल करके ठोक देते हैं तो हमारा स्टेटर कॉइल बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा जब तक कि दोनों तरफ का नट नहीं खुलेगा। और फिटिंग करने का भी यही तरीका है, इस तरह से इसको फिट भी करेंगे। तो हम सारा वीडियो बनाए हुए हैं, तो फिटिंग के लिए वीडियो अलग है और रिपेयर के लिए अलग है। तो इस पार्ट में हम खोलने का तरीका सीखेंगे कि इस मोटर को किस तरह से खोलना है। तो चलिए, अब धीरे धीरे सारे नट हमारे खुल ही गए हैं, और देख लेते हैं और कोई नट बचा तो नहीं। चलिए, तो अब इसको देखिए इस तरह से ठोक लेना है। देखिए, अब ये हमारा कॉइल बाहर आ गया, और ये देख सकते हैं कॉइल की हालत क्या हो गई है। और पीछे का ढक्कन जो है निकालने के लिए, तो देखिए लकड़ी के कोई गुटका लेकर के अंदर से भी मार सकते हैं और बाहर से भी मार सकते हैं, तो ये ढक्कन निकल जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये ढक्कन था, दोनों तरफ से निकल गया, और इसका हालत ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला पार्ट टू में हम दिखाएंगे इसको रिपेयर करके, तब तक के लिए नमस्कार।